जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम लोग NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट कट में हम लोग NCL रिसर्च के नाम से जानते हैं। इस कंपनी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर इस कंपनी में चल क्या रहा है, इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। काफ़ी दिनों से देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 40 पैसे से लेकर 60 पैसे इसी के बीच में फंसा हुआ है। तो ये जो रेंज बाउंड में फंसे होने के चलते हमें एक झिझक हो रही है, एक तनाव हो रहा है, वो हमारा तनाव कब दूर होगा। हमें एज ए इन्वेस्टर्स बस यही चाहिए होता है कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसका शेयर प्राइस बस ऊपर जाए और जल्दी से ऊपर जाए। हालांकि जल्दी से ऊपर नहीं भी जाता, लेकिन एक उम्मीद तो होनी चाहिए कि इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। तो NCL रिसर्च के बारे में हम लोग उस उम्मीद को ढूंढेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 41 पैसे के आसपास चल रहा है, वो भी तकरीबन 2.5% की तेजी के साथ। ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। हालांकि पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो एक सप्ताह में इसमें कोई मूवमेंट होते हुए आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है सप्ताह भर पहले यदि कंपनी का शेयर प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर ये अपना क्लोजिंग दे दे तो इसमें फिर कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। और पिछले एक मंथ की बात करते हैं तो एक मंथ में तकरीबन 2.5% के आसपास स्टॉक टूटा भी है, क्योंकि एक मंथ में कोई इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तेजी कैसे मिलेगी, मैं आपको जब चार्ट पर दिखाऊंगा तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। तो पिछले एक मंथ में इसमें कोई ज़्यादातर तेजी देखने को नहीं मिली। हालांकि लंबी अवधि में देखेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ ही इसका है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ 6 मंथ में दिखाऊँ तो 6 मंथ में आप देखिए तकरीबन 27% के आसपास स्टॉक आपको टूटते हुए नजर आएगा पिछले 6 मंथ में। और यहाँ ग्राफ पर भी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि शेयर प्राइस कैसे नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन हमारा कंसर्न यह है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ कब जाएगा, इसको बताने के लिए मैं आपको स्किनर की वेबसाइट पर चलता हूँ, जहाँ इस कंपनी के हर एक पहलू को टच करेंगे। अब लोग स्किनर की वेबसाइट पर हैं, जहाँ पर NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का हर एक पहलू, यानी कि जो फंडामेंटल्स लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक का माध्यम होता है, जिसके जरिए हम किसी कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा इसको प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पर हर एक पहलू को छूने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के काम से। तो काम देखेंगे तो कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी कि एक NBFC कंपनी है, लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट का ही कंपनी काम करती है। जो कैपिटल मार्केट्स होते हैं या स्टॉक मार्केट में भी कंपनी पैसा लगाती है, उससे रिटर्न जनरेट करके जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स कमाई कैसे होती है, यदि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े तो शेयर होल्डर्स की कमाई होती है, या जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पर जब तगड़ा मुनाफा कमाते हैं तो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फायदा होता है। तो ये तो काम हो गया, काम बहुत बढ़िया है कंपनी का। अब यहाँ पर यदि हम लोग कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे, हम शुरुआत करते हैं मार्केट कैप से। देखिए कंपनी का मार्केट कैप यदि देखेंगे तो तकरीबन 44 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, जबकि मैं कहता हूँ तकरीबन 100 करोड़ के आसपास यदि कंपनी का किसी मार्केट कैप हो तो उसे अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं, 50 करोड़ के आसपास है, तो इसके हिसाब से इस कंपनी का और बाकी जो फंडामेंटल है वो बढ़िया है कि नहीं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, इस कंपनी के बुक वैल्यू से कम है, जबकि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि यहां पर जो ROCE और ROE है ये देखेंगे तो ये माइनस में नहीं, ये काफी बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादातर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनका देखेंगे तो ROE और ROCE जो होता है माइनस में होता है, लेकिन इसका दोनों पॉजिटिव में है और 1.5% से भी ऊपर है। ये थोड़ी सी राहत देने वाली, थोड़ी सी नहीं बहुत राहत देने वाली खबर है यदि जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। हालांकि स्टॉक का PE यहां पर काफी महंगा है, 50 के आसपास है, तो इसमें भी नए लोग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और अब क्वार्टरली रिजल्ट पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी इस कंपनी के फंडामेंटल के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें आप देखेंगे इस कंपनी का जो सेल्स है दिसंबर क्वार्टर में 1.42 करोड़ का हुआ, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 1.03 करोड़ का था, यानी कि पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो इस कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आपको पता है Q4 के नंबर आने बाकी हैं, मुझे उम्मीद है कि इस मई के लास्ट तक इस Q4 का नंबर आएगा। Q4 का नंबर मैटर करता है इस किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट आने के लिए। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया सेल्स बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। नेट प्रॉफिट भी पिछले 3 क्वार्टर में लगातार बढ़ा है, तो इस बेसिस पर कह सकते हैं कि जो Q4 का नंबर आएगा वो भी उसमें भी जो कंपनी का सेल्स है प्लस जो कंपनी का प्रॉफिट है दोनों बढ़ते हुए आपको दिखेगा। तो इसका असर कहीं ना कहीं आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस पर जरूर दिखेगा। अब चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस कंपनी का चार्ट क्या कहता है और चार्ट पर तेजी कब बनती है आपको दिखेगी। तो सबसे पहले मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया और 1 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्टूबर 2022 से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, तकरीबन 60 पैसे से लेकर 40 पैसे इसी के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा है। अब क्या है कि जैसे ये 40 पैसे के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो एकदम मार्केट हट सा गया है। अब यहाँ से या तो नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है। मेरा अनुमान है कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसका फंडामेंटल जो है धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, Q4 का नंबर आने बाकी है, Q4 के नंबर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और 60 पैसा के लेवल जो इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसको ब्रेक करने के बाद सीधे ही आएगा इस लेवल का 80 पैसा के आसपास, 80 पैसा के बाद सीधे 1 रुपये तक आपको जाते हुए दिख सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप यदि इन्वेस्टमेंट है तो Q4 का इंतजार कीजिए, Q4 का नंबर बढ़िया आएगा तो आपका शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगा। उम्मीद करता हूँ NCL रिसर्च के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट तथा ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पे मैं स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।